Hello, students. Good afternoon. All time to do study mathematics. So, everyone must open mathematics textbook part 2. Okay, today we are going to learn our page number from our chapter first. That is the part 2 chapter first. Actually, our chapter 7 is there. That is the chapter 7 is the time. And today we are going to learn our page number, page number 8 over here. Okay. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्वार्टर पास्ट हाफ पास्ट एंड क्वार्टर टू द आवर तो ये जो टाइमिंग से हम सीखने वाले हैं यहाँ पर तो ये क्वार्टर आखिर होता क्या है तो क्वार्टर का अर्थ होता है यहाँ पर मीन्स दैट इज द वन फोर्थ वन फोर्थ मतलब आप आ, आ, घर पे चपाती खाते हो दैट इज़ अ पोड़ी खाते हो तो जब आपकी माँ क्या करती हैं उसको आपको चार टुकड़ों में बांट देती है तो उसमें से एक टुकड़ा जो होता है ना उसको हम कहते हैं क्वार्टर उसको क्या कहते हैं हम क्वार्टर मतलब अगर हम किसी सर्कल के अगर फोर पार्ट कर दें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मान लेते हैं कि देखो कि ये अगर एक सर्कल होता है तो उस सर्कल के अगर हम क्या करेंगे ऐसे फोर पार्ट कर देते हैं तो इसमें से ये जो एक टुकड़ा होता है तो इस टुकड़े को हम क्या कहेंगे क्वार्टर इसको क्या कहेंगे हम क्वार्टर दैट इज द वन अपॉन फोर दैट इज द वन फोर्थ पार्ट चलो तो ये जो क्वार्टर होता है तो जब मिनट हैंड भी हमारा अब आपको पता है आपने घड़ी सीखी है घड़ी के बारे में पता है आपको दैट इज इस मिनट हैंड होता है फिर आपका ये आवर हैंड होता है और ये सेकेंड हैंड होता है तो जब आपका ये जो मिनट हैंड है, ये 12 से लेकर पूरे थ्री तक जाता है कहाँ तक जाता है थ्री तक जाता है तो मतलब उसने एक क्वार्टर क्या कर दिया पूरा कर दिया दैट इज़ द क्वार्टर तो यहाँ पर देखो ये जो डिस्टेंस होता है ट्वेल्थ से 12 से आपका कहाँ तक थ्री तक तो ये हो गया आपका क्वार्टर ठीक है Hmm? तो ये हो गया आपका वन क्वार्टर दट इज अ क्वार्टर पास्ट इसको हम कहते हैं क्वार्टर पास्ट जब ये आपका तो यही दिखाया आपको देखो कि द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक हैज ट्रेवल्ड अ क्वार्टर ऑफ एन आवर सो वी कॉल इट एट अ क्वार्टर पास्ट द हॉर देखो यहाँ पर ट्वेल्थ से लेकर कहाँ तक गया मिनट हैंड थ्री तक गया तो ये जो डिस्टेंस ने कवर किया है जो आपको ग्रीन कलर के शेड में दिखाई दे रहा है तो ये जो डिस्टेंस ने कवर किया उसको है उसको कहते हैं हम क्वार्टर पास्ट ठीक है ओके तो ये हो गया हमारा क्वार्टर पास्ट लेकिन फिर अगर यही मिनट हैंड ने अगर डिस्टेंस कितना कवर किया मान लो ये एक डिस्टेंस कवर किया तो ये हो गया आपका क्वार्टर उसके आगे जाकर अगर वो सिक्स पर आता है कहाँ पर आता है नीचे सिक्स पर आता है तो ये देखो इतना यहाँ से ट्वेल्थ से लेकर पूरा सिक्स तक उसने क्या किया है डस्टेंस कवर किया है जो कि हमारे ग्रीन शेड में यहाँ पर दिखाया है आपके टेक्स्ट बुक में सो द टाइम शोन टू फिफ्टीन और फिफ्टी मिनट पास टू टू दैट इज़ अ क्वार्टर पास टू ये हम कह सकते हैं क्वार्टर पास टू और हाफ मीन्स वन हाफ़ तो ये हो गया आधा पार्ट देखो यहाँ पर सर्कल का भी ये आधा पार्ट होगा अगर हम यहाँ पर हमारे सर्कल में देखेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस अगर वो कवर करता है तो ये देखो ये सर्कल का कितना पार्ट होता है हमारा हाफ़ पार्ट होता है तो ये जो पूरा पार्ट है ये जो शेड किया हुआ ये हो गया हमारा हाफ पार्ट तो अगर वो हाफ पार्ट कवर करता है सो द मिनट हैन हैज्रैवल हाफ द क्लॉक आफ्टर एन आवर सो वी कॉल इट एज अ हाफ पास्ट तो इसको हम क्या कहेंगे हाफ पास्ट हुआ है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया कि यहाँ पर इस गड़ी में ये मिनट हैड ने क्या किया है थर्टी मिनट गए हैं कब गए है? दो बजने के बाद मतलब टू ओ क्लाक होने के बाद वो थर्टी मिनट क्या हुआ आगे बढ़ा सो उसको कहते हैं हाफ़ पास्ट टू इसका अर्थ हुआ ये अगर घड़ी जाती है तो यहाँ पर हाफ पास्ट जाती है तो इसको कहते हैं हाफ पास्ट हाफ़ पास्ट और उस जो यहाँ पर घड़ी है उसका हम नंबर बताते हैं आगे देखेंगे हम तो यहाँ पर देखेंगे द मिनट हैंड हैज़ टू ट्रैवल अ क्वार्टर ऑफ द क्लॉक बिफोर इट कम्प्लीट एन वन आवर वी कॉल इट एज क्वार्टर टू दर तो लेकिन जब वो थ्री फोर्थ फार कम्प्लीट कर देता है देखो यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या होगा घड़ी में अगर हमारे देखेंगे तो हमें ऐसे कह सकते हैं कि जो मिनट हैंड है वो क्या कितना डिस्टेंस कवर करता है एक ये हो गया आपका क्वार्टर ये हो गया आपका हाफ पास्ट यहाँ पर ये आ गया हाफ पास्ट में और यहाँ से आगे फिर से वो नाइन पर आता है मतलब ट्वेल्थ से लेकर वो पूरा घूम कर नाइन तक आ रहा है मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया थ्री फोर्थ कर दिया तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर फिर अगला अगला टाइम आने के लिए मतलब यहाँ पर देखो जैसे कि एट बजे थे नाइन बजने के लिए कितने मिनट बाकी रखे थे यहाँ पर सिर्फ फिफ्टीन मिनट बाकी गए तो तो यहाँ कह सकते हैं हम क्या क्वार्टर टू नाइन तो यहाँ पर जब हम कहते हैं क्वार्टर टू एट क्वार्टर टू नाइन तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी ऐसे ही दिखाई दिया गया आपको कि ये जो ग्रीन पार्ट है इतना अगर कवर करता है तो आगे जो बजने वाला होता है जैसे कि इस घड़ी में अभी एट ओ क्लाक बजने वाले हैं तो लेकिन उसके लिए टाइम कितना बचा है बाकी यस ये फिफ्टीन मिनट्स बच गए उसके लिए टाइम बाकी बच गए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको क्वार्टर टू एट इसको क्या कह सकते हैं हम क्वार्टर टू एट तो ये ये भी एक तरीका होता है टू टेल द टाइम्स ये टाइम होता बताने का एक तरीका है सो so, यहाँ पर भी कौन कौन से पार्ट आपने सीखे हैं कि क्वार्टर टू पास्ट क्वार्टर पास्ट हाफ पास्ट और क्वार्टर टू द एट नाइन, जो कुछ हमारा नंबर आएगा वो हम बता सकते यहाँ पर सो so, लेकिन क्वार्टर ये पार्ट आपको समझ में आ गया तो डिस्टेंस को इतना कवर होता है क्वार्टर टू में यहाँ पर ये यह थ्री फोर्थ डिस्टेंस कवर होता है तो ये जो अब डिस्टेंस कवर होता है सो तो उसको कहते हैं हम थ्री फोर्थ डिस्टेंस अब यहाँ पर फिर इसका इस्तेमाल करके हम टाइम कैसे बता सकते हैं कि अगर मान लो घड़ी में इतने बजे हैं चलो अब मान लेते कि घड़ी में छः बजे हैं। अब आपको पक्का समझ में आएगा ध्यान से देखो घड़ी में कितने बजे हैं छ बजे हैं अब मैं टाइम किस तरह से बता रहा हूँ वैसे ही आपको टाइम ध्यान से सुनना है और अगले वक्त के लिए आपको बताना है मुझे टाइम ठीक है अगर घड़ी में ये जो मिनट हैंड है वो आगे बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए यहाँ पर आ गया नंबर थ्री पर और आपको किसी ने टाइम पूछा कि व्हाट इज़ द टाइम नाउ सो यू कैन से दैट इट क्वार्टर पास्ट सिक्स क्या कह सकते हैं आप इसको क्वार्टर पास्ट सिक्स क्योंकि ये जो पार्ट कवर किया है उसने ये कहते हैं हम क्वार्टर सो so, अब अब हम कह सकते हैं इट्स क्वार्टर पास्ट सिक्स तो वो समझ में आ जाएगा जिसको आपने टाइम बताया वो समझ लेगा कि आपने कितना टाइम बताया है सिक्स ओ एंड फिफ्टीन मिनट्स यस तो जब हम फिफ्टीन मिनट्स कंप्लीट होते हैं तो कहते हैं क्वार्टर पास्ट सिक्स अब पास्ट क्यों बोलते हैं क्योंकि ये बाद वाला समय होता है क्वार्टर पास्ट सिक्स अभी कुछ देर बाद अगेन घड़ी आगे बढ़ रही है आगे बढ़ रही है और यहाँ पर ये आ रहा है हमारा मिनट हैंड पूरा सिक्स के ऊपर अब देखो मिनट हैंड ने पूरे कवर किए यहाँ पर थर्टी मिनट्स और यहाँ से ये भी डिस्टेंस कवर कर दिया है तो अब अगर किसी ने टाइम पूछा कि व्हाट इज़ द टाइम नाउ सो वी कैन से दैट इट इज़ हाफ पास्ट सिक्स क्या कह सकते हैं अभी हम इसको हाफ पास्ट सिक्स इस अर्थ थे हुआ घड़ी में कितने बजे है सिक्स ओ क्लाक थर्टी मिनट्स ओके अभी इसके बाद कुछ देर बाद अगेन किसी ने टाइम आपको पूछा और ये मिनट काटा तब आगे जाकर घूम कर आया है यहाँ पर कहाँ पर आ गया है नंबर नाइन के ऊपर ठीक है और नंबर नाइन के ऊपर आ गया तब हमें एक बात समझ में आती है कि ये अभी पंद्रह मिनट के बाद ये जो टाइम है यहाँ पर का ये होने के ये कंप्लीट होने के बाद कितने बजने वाले हैं सेवन दैट इज़ सेवन ओ क्लॉक बजने वाले एक तो अब कितना टाइम बचा है इसको ये टाइम जो होता है ये पार्ट ये होता है हमारा क्वार्टर पार्ट तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको कि नाउ द टाइम इज़ क्वार्टर टू सेवन अब अगर आपको किसी ने टाइम पूछा कि व्हाट इज़ द टाइम नाउ सो वी कैन से दैट क्वार्टर टू सेवन इसका अर्थ हुआ कि सात बजने के लिए पंद्रह मिनट बाकी है दैट इज़ से इसका अर्थ हमें लेना है सिक्स ओ और फोर्टी फाइव मिनट्स हो गए हैं और उसका दूसरा अर्थ ये भी ले सकते हैं आप कि सात बजने को पंद्रह मिनट क्या है रिमेन्स है बाकी है दैट इज़ द रिमेनिंग फिफ्टी मिनट्स टू सेवन ओ ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर घड़ी में टाइम बताना होता है चलो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स में बताता हूँ पहले मैं एक दो एग्जांपल्स के लिए बताऊँगा और अगले एग्जांपल्स में आपका डेमो होगा चलो यहाँ पर करते कुछ एग्जांपल ऐसे ही सॉल्व मान लेते हैं कि घड़ी में अभी बजे हैं चार कितने बजे हैं चार बज गए हैं चलो तो जब घड़ी में ये मिनट हैंड जो है मेरा वो मूव करके आ जाएगा थ्री के ऊपर तो नाउ आई कैन टेल अ टाइम लाइक दैट कैसे बताऊंगा अभी क्वार्टर पास्ट फोर क्या बताएंगे अभी आप क्वार्टर पास्ट फोर नाउ मिनट हैंड आ गया है आपका सिक्स के ऊपर नाउ वी कैन से दैट हाफ पास्ट फोर हाफ पास्ट फोर अभी आगे चलकर मिनट हैंड आ गया यहाँ पर कहाँ पर नंबर नाइन के ऊपर तो देखो यहाँ पर पाँच बजने को आ गया कि नहीं हमारा और एंड फाइव के पास में आ गया तो हम कह सकते हैं क्वार्टर टू फाइव क्वार्टर टू फाइव ओके एंड नाउ जब ये फिर से यहाँ पर आएगा तो हम कह सकते क्या यस इट्स अ फाइव ओ क्लॉक अब क्या कहेंगे हम फाइव ओ क्लॉक अगेन ही आगे आता है मिनट हैंड एंड आ जाता है आपका कहाँ पर नंबर थ्री पर सो वट वी कैन से दैट इट्स अ क्वार्टर क्वार्टर पास्ट फाइव आगे चलता है आगे आके कहेंगे हम क्या हाफ पास्ट फाइव आगे जाएगा आप यहाँ पर ए मिनट हैंड तब देखो सिक्स बजने को आ गए कि नहीं है हमारे यहाँ पर क्वार्टर टू सिक्स क्या कहेंगे क्वार्टर टू सिक्स और फिर से आ गया एक सिक्स ओ क्लॉक पर चलो फिर अगला टाइम आप बता सकते हो यस टिल मी द टाइम नाउ अभी हुआ था हमारा ये क्वार्टर पास्ट सिक्स यस हाफ पास्ट सिक्स क्वार्टर टू सेवन सेवन ओ क्लॉक क्वार्टर पास्ट सेवेन Half past seven, quarter to eight, eight o'clock, quarter past eight, half past eight, quarter to nine, and it's a nine o'clock.

वी राइट इट एज थ्री थर्टी और हाफ पास्ट थ्री तो हम कैसे लिख सकते इसको थ्री थर्टी दट इज थ्री ओ क्लाक थर्टी मिनट्स और हाफ पास्ट थ्री सो यहाँ पर देखो इसी तरह से हमको बताना है यहाँ पर भी क्या है द हर हैंड इज बिटवीन कहाँ पर है अभी देखो इलेवन एंड ट्वेल्व के बीच में देखो राइट इट एज इलेवन एंड ट मिनट्स आफ्टर ठीक है The minutes are after 3 hours So the minutes are after 3 hours The minutes are after 11 hours The minutes hand at the 3 gaya 3? So the time is यहाँ पर टाइम इज कितना हुआ यहाँ पर 15 मिनट्स कितना हुआ 15 मिनट्स आफ्टर 11 यस सो वी राइट इट एज 11 डबल कॉलन देना है और 15 और हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं क्वार्टर पास्ट 11

सेवन के बीच में द मिनट्स आर आफ्टर सिक्स आवर्स मिनट सिक्स आवर्स के बाद कितने हुए द मिनट हैंड इज एट नाइन कहाँ पर आ गए मिनट हैंड यहाँ पर एक नाइन के ऊपर सो द टाइम इज कितने मिनट्स हो गए यहाँ पर ये फोर्टी फाइव मिनट्स हो गए हैं कैसे करेंगे हम नाइन का टेबल फाइव टाइम्स फाइव नाइन आर फोर्टी फाइव सो इट्स अ फोर्टी फाइव मिनट्स आफ्टर आफ्टर कब हुआ ये सिक्स सिक्स के बाद ही होते हैं ना सिक्स के बाद हो गए फोर्टी फाइव मिनट्स सो वी राइट इड एज सिक्स फोर्टी फाइव ये हम लिख सकते इसको सिक्स फोर्टी फाइव और भी ये सदो के पास में आ गया तो हम इसको कह सकते और क्वार्टर टू सेवन So we will say quarter two seven. Okay. Similarly, you must have to solve that example. So that is for your homework part. So that example you must have to also solve at the home. And if you have still query or doubt, you can ask me. Okay, students. Now let us learn. पेज नंबर understand इट्स हियर वी डू how हाउ टू रीड द टाइम नाउ लेट ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक्स when द टाइम इज गिवन तो जब आपको क्या किया जाता है टाइम दिया जाता है तब आपको क्या करने ड्रॉइंग करने. तो एक यहां पर ही नहीं बताता हूं जब आपके नोटबुक्स में टाइम आपको लिखना है तो कॉइन लेने हैं नहीं तो गोल जो ढक्कन होता है वो लेना है आपको नहीं तो तो इसके आधार से आपको क्या करना है सर्कलच से ड्रॉ करना है किस में आपके नोटबुक में टू ड्रॉ अ क्लॉक सर्कुलर ओके लेट अस लर्न द एग्जांपल नाइन ड्रा हैंड्स ऑफ अ क्लॉक टू शो द गिवन टाइम देखो क्या टाइम दिया है यहाँ पर वन क्लाक फिफ्टीन मिनट्स तो हमें दिखाना है यहाँ पर देखो इस फर्स्ट यहाँ पर वॉच में यहाँ पर दिखाया गया है कि एक बजकर फिफ्टीन मिनट्स हो गए हैं पंद्रह मिनट हो गए हैं यहाँ पर देखो वन और टू के बीच में हमारा दिखाना है हमें कौन सा हर हैंड एंड वी हैव टू ड्रॉ मिनट हैंड शार्प ऑन द फिफ्टीन दैट इज द फिफ्टीन मिनट मतलब थ्री फाइव ऑफ फिफ्टीन सो थ्री पर दिखाना है यहाँ पर अगेन वी डू हैव द एग्जाम्पल बी सिक्स ओ क्लाक फिफ्टीन मिनट्स यहाँ पर देखो छ पर दिखाना है बराबर छः के थोड़ा सा आगे दिखाना है ठीक है और यहाँ पर ये यह जो हमारा मिनट हैंड है वी हैव टू शो इट ऑन द नंबर थ्री ये फिफ्टी मिनट्स के लिए सी के एग्ज़ाम्पल है आपको सेवन क्लाक थर्टी मिनट्स देखो यहाँ पर दिखाया गया है सेवन के आगे और ये जो मिनट हैंड है ये दिखाना है हमें नंबर सिक्स के ऊपर <coughs> आगे दिया है डी में आपको नाइन ओ क्लॉक फोर्टी फाइव मिनट्स मतलब यहाँ पर नाइन और टेन के बीच में लेकिन यहाँ पर भी टेन के पास में दिखाना है हमें हमारा आवर हैंड एंड वी हैव टू शो द मिनट हैंड इज़ ऑन द नंबर नाइन बिकॉज फाइव नाइनज आर फोर्टी फाइव सो ये फोर्टी फाइव मिनट के लिए यहाँ पर इधर दिखाना है अंडरस्टैंड सिमिलरली अगेन हीयर वन मोर एग्जाम्पल टू ड्रॉ देंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द गिवन टाइम कौन कौन से टाइम यहाँ पर क्वार्टर टू सेवन देखो यहाँ पर क्वार्टर टू सेवन है तो सेवन के प्लास में दिखाना है हावर हैंड और मिडल हैंड दिखाना है नंबर नाइन पर दैट इज द फोर्टी फाइव मिनट्स होने चाहिए हमें सिक्स ओ क्लॉक फोर्टी फाइव मिनट्स में ठीक है अगेन हाफ पास्ट फोर है मतलब फोर ओ क्लाक होकर यहाँ पर थर्टी मिनट्स कवर कर दिए हैं तो देखो फोर और फाइव के बीच में दिखाना है हमें आवर एंड एंड द मिनट्स एंड वी हैव टू शो द नंबर ऑन द नंबर सिक्स लाइक दैट यू मस्ट हैव टू हैल्सो सॉल्व द एग्जाम्पल तो अगर मैं अगर चाहूँगा कि आपको अगर टाइम सेट करना है तो चलो ये हमारा बंद घड़ी है आप भी इस तरह से घड़ी पर प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर मुझे टाइम यहाँ पर करना है और आपको अगर टाइम दिखाना है शो करना है कौन सा कि अगर आपको किसने बताया टाइम नाइन फिफ्टीन ठीक है सो ये नाइन फिफ्टीन हमें शो करना है टाइम तो किस तरह शो कर सकता हूँ मैं देखो अभी मेरे बजे हैं नो, ठीक है और फिफ्टीन मिनट्स होनी चाहिए तो देखो ये यहाँ पर होते हैं मेरे फाइव मिनट्स यहाँ पर हो जाते फाइव प्लस से फाइव टेन मिनट्स और यहाँ पर ये हो जाएंगे मेरे कितने 15 मिनट्स सो ये हम कह सकते कि नाइन ओ क्लाक फिफ्टीन मिनट्स ओके अगर मुझे दिखाना है यहाँ पर नाइन ओ क्लाक थर्टी मिनट्स दैट इज़ द नाइन थर्टी टाइम कौन सा हो गया यहाँ पर फिर नाइन थर्टी तो मैं किस तरह से दिखा सकता हूँ देखो ये मेरी घड़ी आगे बढ़ गई आगे बढ़ गई आगे बढ़ गई तो आ गई देखो यहाँ पर सो so, ये आ गया आपका नाइन ओ क्लाक थर्टी मिनट्स सो नाइन थर्टी ये हो गया आपका अगर आपको दिखाना है अभी आपको इसी पूछेगी नाउ शो मी हाफ पास्ट टेन क्या दिखाना है आपको हाफ पास्ट टेन दैट इज द हाफ पास्ट टेन देन हाउ कैन आई शो इट चलो देखो मेरा टेन है यहाँ पर तो टेन के हाफ पास्ट इसलिए पहले तो टेन बजेंगे बच गया टेन अब टेन के बाद हाफ़ पास्ट हुआ है मतलब टेन बजकर थर्टी मिनट्स हो गए तो आगे बढ़ेंगे मैंने ये हो गए मेरे फिफ्टीन मिनट्स और ये हो गए यहाँ पर मेरे पास्ट हो गए देखो ये पूरा पार्ट मतलब हाफ पास्ट हो गया तो हाफ़ पास्ट टू टेन टेन को यहाँ पर आप तो टेन और एलेवन के बीच में आ गया मेरा हर हैंड और मिनट हैंड आ गया मेरा यहाँ पर नंबर सिक्स के ऊपर अगर मैं कह सकता हूँ क्वार्टर टू इलेवन दिखाना है तो देखो यहाँ पर ये इलेवन के पास में आ गया मेरा आवर हैंड और ये फिफ्टीन मिनट बाकी रह गए मेरे किसके लिए इलेवन के लिए सो दैट इज द टाइम पीस क्वार्टर टू इलेवन अल्सो वी कैन से दैट इट्स अ टेन ओ क्लॉक एंड नाइन फाइव आर फोर्टी फाइव सो टेन ओ क्लॉक फोर्टी फाइव मिनट्स ओके स्टूडेंट्स तो सिमिलरली यू मस्ट अ हैंड्स टू ओ क्लॉक दैट फॉर द गिवन एग्जाम्पल्स तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स में आपको सेंड करूँगा उसको भी आपको क्या करने हैंड्स दिखाने नाउट लर्न द पार्ट देट इज द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पार्ट ओके स्टूडेंट्स तो चलो ये पार्ट हम सीखते हैं चलो क्या करना है अभी यहाँ पर देखो वी हैव लर्न टू रीड

हाउ लॉन्ग वॉज द क्लास तो यहाँ पर टाइम दिखाया है कितना टाइम दिखाया है देखो यहाँ पर बजे है टेन ओ क्लॉक और बाद में इस मिनट है ने डिस्टेंस कवर किया है पूरा घूम कर ये नाइन तक आ गया जो दिखाया हमें अगले क्लॉक में ठीक है तो यहाँ पर देखा है द स्टार्ट टाइम इज़ द टेन ओ क्लॉक एंड द एंड टाइम इज़ द टेन ओ क्लॉक फोर्टी फाइव मिनट्स देखो ये टेन ओ क्लॉक और उसके आगे हो गए फोर्टी फाइव मिनट्स द डिफरेंस इन द गिवन टाइम्स तो डिफरेंस कितना होगा गिवन टाइम्स में एक टेन ओ में से टेन फोर्टी फाइव में से टेन ओ सब ट्रैक हो गए तो रह जाते हैं हमारे पास सिर्फ टाइम इन अ मिनट दैट इज़ द फोर्टी फाइव मिनट्स सो देर फॉर द लेंथ ऑफ द मैथ क्लास वॉज फोर्टी फाइव मिनट्स तो कितने मिनट्स का हो गया फोर्टी फाइव मिनट्स का देखो यहाँ से कवर किया डिस्टेंस यहाँ तक तो ये डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर हमारा मिनट्स में अगर हमें बोलना है तो इट्स अ नाइन फाइव हजार फोर्टी फाइव सो मिनट कितने हो गए यहाँ पर फोर्टी फाइव मिनट्स नाउ इन नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज एग्ज़ाम्पल नंबर ट्वेल्थ संजय स्पेंड्स एंड आर बिटवीन फोर थर्टी एंड फाइव थर्टी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ द स्टार्ट टाइम फॉर ईच एक्टिविटी इज एज शोन फोर थर्टी और फाइव थर्टी तो इसके बीच में आपका होता है वन आवर देखो कैसे उसने कौन कौन सी एक्टिविटी और क्या क्या किया है चलो फॉर प्लेइंग के लिए देखो फोर थर्टी को यहाँ पर इस घड़ी में हमें दिख रहा है टाइम इट्स अ फोर थर्टी सो फोर थर्टी को उसने प्लेइंग स्टार्ट किया यस ओके देन ड्रिंकिंग मिल्क तो फोर यहाँ पर थर्टी हुए थे उस तब वो फोर थर्टी से यहाँ तक क्या करते करते रहा उसने वो खेलते रहा बाद में पंद्रह मिनट के बाद मतलब ये है, देखो यहाँ पर ये पाँच दस और ये फिफ्टीन दैट फाइव टेन एंड द फिफ्टीन से फिफ्टीन मिनट्स हो गए उसके बाद ड्रिंकिंग मिल्क किया उसने इसका टाइम क्या है हमारा फोर फोर्टी फाइव दैट इज़ फोर ओ क्लाक फोटी फाइव मिनट्स देन उसके आगे होमवर्क होमवर्क स्टार्ट किया उसने फोर और यहाँ पर इलेवन इलेवन फाइव इजार फिफ्टी फाइव सो यहाँ पर फोर फिफ्टी फाइव दैट इज़ अ फोर ओ क्लाक फिफ्टी फाइव मिनट्स को क्या स्टार्ट किया उसने होमवर्क स्टार्ट किया देन फो फोर फिफ्टी वाइज यहाँ से आगे बढ़ता हुआ गया हमारा मिनट हैंड कहाँ तक यहाँ अब तक लेकिन ये फाइव से आगे गया सो फाइव ओ क्लॉक ट्वेंटी मिनट्स तब उसने क्या ऑन किया टी वी ऑन किया एंड टी वी ऑफ किया उसने फाइव ओ थर्टी मिनट्स को सो so, यहाँ पर ये यह सारे क्लॉक्स हमें अच्छे से रीड करने हैं एंड वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रीड द क्लॉक्स एंड एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेन डिड संजय बिगिन ड्रिंकिंग मिल्क तो देखो यहां पर कहां पर किया है उसने ड्रिंकिंग मिल्क बिगिन यस ओके सो ड्रिंकिंग मिल्क स्टार्ट किया है यहां पर फोर ओ क्लॉक फोर्टी फाइव मिनिट्स के ऊपर ठीक है सो फोर ओ क्लॉक फोर्टी फाइव दट इज अ फोर फोर्टी फाइव फॉर हाउ लॉन्ग डिड ही प्ले अब कितने टाइम तक वो प्ले किया है उसने देखो फोर और थर्टी को उसने प्ले किया था और फोर ओ क्लाक फोर्टी फाइव मिनट्स में उसने ड्रिंकिंग मिल शुरू कर दिया सो so यहाँ पर उसका टाइम कुछ इस तरह से आएगा देखो यहाँ पर दिखाया गया है संजय बिगैन प्लेइंग एट फोर थर्टी एंड एंडेड ऐट फोर फोर्टी फाइव सो ही प्ले फोर अ क्वार्टर हावर देट इज़ द फिफ्टी मिनट्स क्वार्टर हावर यानी फिफ्टी मिनट्स फोर्टी फाइव माइनस फोर थर्टी फोर्टी फाइव में से जब थर्टी आते तो वट इज अवर आंसर इज द आंसर इज द फिफ्टीन मिनट्स ओके नाउ वी डू है थर्ड क्वेश्चन फॉर हाउ लॉन्ग डिड ही वॉच टी वी कितने समय तक उसने टी वी वॉच किया तो देखो यहाँ पर टीवी चालू कब किया था उसने फाइव ओ क्लॉक ट्वेंटी मिनिट्स को फाइव ट्वेंटी को चालू किया था और एंड कब किया फ़ाइव ओ क्लाक थर्टी मिनट्स के लिए तो ट्वेंटी और ये थर्टी तो थर्टी में से ट्वेंटी गए रह जाते हैं हमारे कितने मिनट्स टेन मिनट्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टर्बेंस देखो ये फाइव और ये फाइव कितने होते हैं टेन मिनट्स सर टाइम फॉर वॉच ही द टाइम फॉर विच ही वॉच टी वी वॉच फाइव थर्टी माइनस फाइव ट्वेंटी दैट इज़ द टेन मिनट्स कितने मिनट्स हो गए टेन मिनट्स ऐट द लास्ट वी डू हैव क्वेश्चन वेन डिड ही स्विच ऑफ द टी वी कब संजय ने क्या किया स्विच ऑफ किया टी वी सो यहाँ पर देखो टी वी आपका टाइम दिखाया गया है यस इट्स अ हाफ पास्ट फाइव और यू कैन से दैट फाइव ओ क्लॉक थर्टी मिनिट्स सो संजय स्विच ऑफ द टी वी एट फाइव थर्टी सो द टाइम बिटवीन द टू गिवन टाइम इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ टाइम टाइम बिटवीन टू गिवन टाइम इज़ कॉल द लेंथ ऑफ टाइम इट इज़ आल्सो कॉल टाइम ड्यूरेशन और टाइम इंटरवल तो दो आवर्स के बीच में जो आता है उसको हम कहते हैं टाइम इंटरवल जो टाइम होता है बीच का टाइम उसको हम टाइम इंटरवल कह सकते हैं लेंथ ऑफ टाइम कह सकते हैं ये कैसे निकाला जाता है इट इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ एन टाइम एंड स्टार्ट टाइम कैसे निकाल सकते हैं हम इसको बाय द डिफरेंस ऑफ एन टाइम एंड द स्टार्ट टाइम सो हियर वी रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल सिमिलरली सम एग्जाम्पल्स लाइक दैट आई विल गिवन टू यू दैट यू मस्ट हैव टू कम्प्लीट इर मैथमेटिक्स नोट बुक्स ओके स्टूडेंट्स यस टूडे वी लर्न More things that how to read a time quarter past, half past, and quarter to the then also. Then we learn how to draw a clock, how to draw a clock hands, okay, in a clock, and also we learn about the length of a time, or you may say that time duration or the time interval, okay, students. How to find time interval? We have to do. The subtraction or difference of end time and the start time. Okay, bye bye for now. Take care.